नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको खबर दिखाते हैं छतरपुर शहर की। छतरपुर शहर के तमाम चौरसिया समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिला दमोह के हटा के निवासी देवेंद्र चौरसिया की हत्या के बाद तमाम प्रकार के नाम देने के बाद भी आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इसके संबंध में एक ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को सख्त से सख्त कार्यवाही और जल्द पकड़ने की मांग को लेते हुए समाज सेवियों के साथ में युवा और तमाम प्रकार के वरिष्ठ चौरसिया समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें चौरसिया समाज के लोगों ने बताया कि 15 मार्च को हटा निवासी देवेंद्र कुमार चौरसिया की हत्या कर दी गई थी व उनके पुत्र पर भी प्राण घातक हमला किया गया था। इस घटना में नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक की दिनांक में किसी भी प्रकार के एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे उनका समाज बहुत ही रुष्टता का व्यवहार करने के लिए मजबूर है। हटा में जो हमारे वरिष्ठ समाज के सेवक थे आदरणीय देवेंद्र जी, उनके साथ बड़ा दर्दनाक घटना हुई और विधायक परिवार ने अपने सत्ता के नशे में आके उनको मारपीट की उनके परिवार के साथ, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं इस संबंध में जिला प्रशासन से, राज्य शासन से उम्मीद करता हूँ इस संबंध में दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके रामबाई का रोल हो या उनके पति का रोल हो, इसका न्याय होना चाहिए और जिसने भी ये गलती की है या दंडित किया है उनको, और कड़े शब्दों में हम समाज की ओर से इसकी निंदा करते हैं और शीघ्र न्याय की उम्मीद करते हैं। मध्य प्रदेश हटा जिला दमोह में 15 मार्च को पथरिया विधायक के परिजनों द्वारा हमारे चौरसिया समाज के वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेंद्र चौरसिया जी की हत्या कर दी गई है और उनके पुत्र पर प्राणघातक हमला किया है। उसी के विरोध में हम लोगों ने यह मांग पत्र मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम दिया है कि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो एवं पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। किसने घटना को अंजाम दिया था? ये पथरिया विधायक हैं जो रामबाई, उनके इसमें पति, उनके देवर एवं अन्य 6-7 लोग इस घटना में कार्यज हैं और ये राजनीतिक हत्या हुई है। ये हत्या सिर्फ राजनीतिक हत्या हुई है, उसके पीछे कारण है कि वहाँ जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देवेंद्र चौरसिया के माध्यम से लाया गया था, क्योंकि उनकी बहू वहाँ जिला पंचायत की सदस्य हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि देवेंद्र चौरसिया की मेहनत के कारण ही रामबाई वहाँ पथरिया से BSP से विधायक बनी थी और देवेंद्र चौरसिया ने BSP छोड़ करके एक अन्य दल को ज्वाइन कर लिया था, और ये भी कारण है। दूसरा कारण है वहाँ वर्चस्व की लड़ाई, चूँकि वहाँ की पब्लिक देवेंद्र चौरसिया जी के साथ थी, इसको पचा नहीं पा रही थी। और देखिए भाई, इस देश में राजनीतिक हत्याएँ बहुत कम हुई हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में ये जो राजनीतिक हत्या हुई है इसका प्रतिकार भी लिया जाएगा। यदि प्रशासन ने इसमें शीघ्र कार्रवाई नहीं करी, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया और उनको समुचित दंड का प्रावधान नहीं हुआ, तो चौरसिया समाज चुप नहीं बैठेगा और हम लोग निश्चित ही हटाकूच करने वाले हैं। प्रशासन को ये चेतावनी है कि अगर 13 दिन में प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया उनकी 13वीं के पहले, तो हम लोग जो करेंगे वो मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। छतरपुर जिले की खबरों के लिए बने रहे सिर्फ पैप्टिक टाइम के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरें और उनकी नई अपडेट्स के साथ। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। उम्मीदों से भरे परिंदे, आशाओं की भरी उड़ान, मंजिलों की राह आसान कर कृष्णा यूनिवर्सिटी ने दिया खुला आसमान। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर जो स्टूडेंट्स को देता है वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से युक्त 55 एकड़ में फैला सुव्यवस्थित कैंपस, ई लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब, हॉस्टल फैसिलिटी, बस फैसिलिटी, बीमा एवं स्वास्थ्य परीक्षण, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी तमाम सुविधाएं। इसीलिए हम देते हैं 100% जॉब अश्योरिटी की गारंटी। इसके साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज जैसी ढेरों सुविधाएं। हमारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा प्रोग्राम, ग्रेजुएट स्टडी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो न्यूनतम शुल्क में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त शिक्षा और 3 साल की डिग्री 3 साल में ही प्राप्त करें और लेट लतीफी से बचें। तो आज ही लॉग ऑन करें www.skuindia.ac.in और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हमारी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता है यूनिवर्सिटी कैंपस, नेशनल हाईवे, सागर रोड, विलेज चौका, छतरपुर, MP, सिटी ऑफिस इन फ्रंट ऑफ दनादन बिल्डिंग, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07682248735 और
6262180303।